जो सवाल पूछेंगे आपने जवाब तो नहीं देना। अच्छा, आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि अभी कुछ दिनों से जो है कुछ ऐसी खबरें मानव भारती विश्वविद्यालय से लेकर जो है सामने आ रही है, जिसमें कि जो है फर्जी डिग्री का भी जिक्र किया गया है। तो इस पूरे प्रकरण में आपका क्या कहना है? क्या आप इसको क्या मान के चलते हैं कि आपके यहाँ से ऐसी जो है बात हुई है या नहीं हुई है, और आप इसके लिए किसको दोषी मानते हैं इस पूरे मामले पे, आप अपना स्पष्टीकरण। लेकिन टाइम टू टाइम हमारे पास काफी फर्जी डिग्रियां वेरिफिकेशन के लिए आती हैं, और हमने उनकी पुलिस उनकी हमने वेरिफिकेशन करने के बाद पुलिस स्टेशन में उसका FIR भी की है। ये सारी FIR की डिटेल है जो हमने टाइम टू टाइम धर्मपुर पुलिस स्टेशन पे भेजी है। उसके बाद इस तरह की, देखिए अभी भी लास्ट वीक हमारे पास एक फेक डिग्री एक पैकेट आया है जो कि पुणे के एड्रेस पे किसी ने डिस्पैच किया धर्मपुर पोस्ट ऑफिस से। हमारी पहले तो बात यह कि डाक वहां से नहीं जाती है। और ये देखिए, इनका सैंपल देखिए और हमारी डिग्री का सैंपल देखिए। हमारी हैंड रिटन रहती है, ये टाइप्ड है, और हमारी डिग्री पे रजिस्ट्रार प्लस वाइस चांसलर रहता है, जबकि इस पे कंट्रोलर, रजिस्ट्रार, वाइस चांसलर, पता नहीं क्या क्या है। इस तरह की टाइम टू टाइम काफी डिग्रियां हमारे पास वेरिफिकेशन के लिए आती है। अप्रोक्सीमेटली 1000 के आसपास जो है दो सालों में हमने नेगेटिव करके भेजी है, जिसकी सारी डिटेल हमने पुलिस स्टेशन में भी दी है। और हमने पुलिस स्टेशन में टाइम टू टाइम, मैंने अपने दो साल के पीरियड में कम से कम 200 FIR करवाई है धर्मपुर पुलिस स्टेशन में, और उनको कई बार एप्लीकेशन भी लिखी है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो। और जहां तक मुझे लगता है, ये सिर्फ हमारी इमेज को खराब करने के लिए, हमारे प्रोफेशनल जेलसी की वजह से लोग ये सब कर रहे हैं। मैम, कितनी FIR आपने दर्ज कराई गई है? अप्रोक्सीमेटली 150 जो मैंने मेरे हाथों से करवाई है, 2000। और हमने टाइम टू टाइम पब्लिक नोटिस भी दिए हुए हैं न्यूज़पेपर्स में कि हमारा कोई स्टडी सेंटर नहीं है, हमारे कोई एजेंट्स नहीं है, हम सिर्फ रेगुलर कोर्सेज चलाते हैं जो कि कैंपस में चलाते हैं। ये देखिए, हमने 18 जून 2011 में हमने ये दिया है, अमर उजाला में दिया था पब्लिक नोटिस। उसके बाद पेज नंबर 10 पे, एक पेज नंबर 8 पे 18 जून को अमर उजाला में, जलंधर एडिशन में, ये चंडीगढ़ एडिशन में। उसके बाद दैनिक जागरण में हमने 2011 में 19 जून, ऐसे टाइम टू टाइम हमने काफी पब्लिक नोटिस दिए कि हमारे ना तो कोई ब्रांच है, ना तो हमारा कोई स्टडी सेंटर है, और ना ही हमारा कोई एजेंट है। आप कब से FIR लॉन्च करा रहे हैं पुलिस में? पुलिस में हम 2015 से करवा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस प्रकरण के पीछे कौन लोग हो सकते हैं? क्या आपको किसी पे शक है कि आपको बदनाम करने के लिए? बिल्कुल बदनाम करने के लिए हिमाचल में 18 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, जिसमें से 4 NAC एक्रेडिटेड हैं, जिसमें से एक माना भारती है। बिल्कुल हमारी इमेज को खराब करने के लिए, यूनिवर्सिटी की इमेज डैमेज करने के लिए सब हो रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं अपने स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग बिल्कुल इनोसेंट हैं, हमने कोई भी फर्जी डिग्री इशू नहीं की है, इसलिए सारे पेरेंट्स बिल्कुल निश्चिंत रहे। पब्लिक को भी यही बोलना चाहते हैं, माना भारती ने कोई भी फेक डिग्री इशू नहीं की है। अभी विधानसभा में भी ये मामला गूंजा है, बिल्कुल, और उसमें शिक्षा मंत्री ने भी एक तरफ से माना भारती यूनिवर्सिटी को और जो दूसरी एक यूनिवर्सिटी है और उनके पक्ष में ही ये लगभग कहा है कि जांच तो चल रही है, लेकिन जिसने ये शिकायत की है उसने अपना कोई नाम और कोई एड्रेस नहीं बताया है। तो आप सरकार से किस तरह की अपील करते हैं कि जब एक मतलब बेनाम पत्र जो है वो शिकायतकर्ता का है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार को इसमें किस तरह का संज्ञान लेना चाहिए, और क्या आप सरकार के पास उनके खिलाफ जो है किस तरह की इंक्वायरी की मांग करते हैं? हम चाहते हैं कि बिल्कुल इसकी जांच हो, इसकी CBI इंक्वायरी हो, इसकी बिल्कुल जांच हो, और जो भी गिल्टी हैं वो पकड़े जाएं, उनको सजा दी जाए, क्योंकि हम लोग बिल्कुल इनोसेंट हैं। हमें पता है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन, कोई ऐसे SIT बने, कोई CBI इन्वेस्टिगेशन हो, वी आर इनोसेंट, और मुझे नहीं लगता कि हमारे ऊपर कोई बात। और हमें सरकार पे पूरा भरोसा है, प्रशासन पे पूरा भरोसा है, पुलिस पे पूरा भरोसा है, हम उनको बिल्कुल कोऑपरेट करेंगे। पर हम चाहते हैं कि न्यूज़पेपर में जिस तरह की ये नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है, इसको प्लीज बंद किया जाए। आपका नाम? डेजिग्नेशन? मैं डॉक्टर अनुपमा ठाकुर, रजिस्ट्रार, माना भारती यूनिवर्सिटी।